इनके समय कितना भूला जाते हैं, अपन मरवा में कितना भूला जाते हैं, उसका लगता है नाचे लगते हैं। काहे नहीं बोला था, सुनो पहले एमओआई समीकरण टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। जाधव कैसा है जात जो टूटवे नहीं कर सकता है, वो लालू का परमानेंट है, वो नहीं टूट सकता है। कि सारे मुस्लिम जो है वो जनसुराज, कुछ नहीं जनसुराज। एमओआई पर कोई पार्टी टिका हुआ है, लेकिन उसमें से बुझिए कि एम अगर निकल जाएगा, एम का संख्या ज्यादा है ना वाई से, वाई में भी सारा वाई वोट नहीं देता है, लेकिन सारा एम वोट देता था आरजेडी को, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर आए हैं, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि 90% नहीं, लोग कह रहा है 90%, लेकिन हमको लग रहा है कि 80% मुस्लिम जरूर प्रशांत किशोर के साथ। जिसको चाहेगी उसको कुर्सी पे रखेगी, जिसको जनता चाहेगी कुर्सी से हटाएगी। प्रशांत किशोर की इतनी औकात नहीं है। प्रशांत किशोर का रैली देख करके तो लग रहा था कि एमआई समीकरण टूट जाएगा। हाँ, क्योंकि मुस्लिमों की भीड़ थी, मुस्लिमों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सारे मुस्लिम चले जाएंगे, सारे मुस्लिम नहीं है, लेकिन लगता है 90% मुस्लिम चले जाएंगे। प्रशांत यादव मियां टूटे वाला नहीं है, कितना बिहार का हाथी है, हाथी है तेजस्वी, जाए हाथी बाजार, जाए देखिए बाजार में घूमते हाथी, कुत्ता भूखे आ जाए। किशोर है, किशोर का मतलब बच्चा, अभी 2 तारीख को जन्म लिया है, 8 तारीख को छठिहार होगा, उसके बाद भेंट करिएगा। इस चुनाव में कोई काम नहीं होगा, जो है वो जन स्वराज में चलाएगा, कभी नहीं आएगा। जनसुराज समीकरण टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, लालू जी के आगे नहीं टूटेगा। सुनिए, लालू जी के एक रीजन में गाना बजता था कि चूरी मजा न देगा कंगन मजा न देगा, आप जानते हैं क्या बजेगा, कि भाजपा मजा न देगा, भाई पलटू मजा न देगी, 2025 में तेजस्वी मजा देंगे। रशियन के साथ उपयोगी दारू को न्यूज़ में दिखा, दारू के साथ रशियन के साथ उपयोगी पकड़ा गया। सुने नहीं, सुने हैं न्यूज़ में, सुने हैं, ये भी बोल रहे थे परसों कि रशियन के साथ बीजेपी का नेता, हम सारा न्यूज़ देखे हैं, कहीं नहीं, ये लोग फॉल्स बोलता है। रशियन ने राजस्थान किया, चलो बीजेपी का चैनल कभी भी बीजेपी के भक्तों का, बीजेपी के भक्तों का न्यूज दिखाएगा? कहीं से कहीं तक नहीं दिखाएगा। लो ये मेरा आधार कार्ड है, अगर हम गलती बोल रहे हैं तो भाजपा वाले हम पर केस करो। टिकेंगे ना आपके चाचा जी टिकेंगे, जानते हैं तूफान के आगे कोई नहीं टिकेगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी नहीं तूफान है, युवा के लिए शान है, तेजस्वी नहीं आंधी है, इस युग का गांधी है लालू। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए बिहार में एमवाई समीकरण का बहुत बड़ा महत्व है, और जन स्वराज आने से क्या एमवाई समीकरण टूट जाएगा? जो मुस्लिम है, बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम है वो जन स्वराज में चले जाएंगे आरजेडी को छोड़ के। लोगों से जानते हैं कि क्या एमवाई समीकरण टूट जाएगा, क्या लगता है एमवाई समीकरण टूट जाएगा? जब आप सुन रहे हैं कि एमवाई समीकरण टूट जाएगा, आप सुनी होंगी तो भाई सच्चाई होगा तभी ना आप सुनी है। और प्रशांत किशोर का रैली देख करके तो लग रहा था कि एमआई समीकरण टूट जाएगा। हाँ, क्योंकि मुस्लिमों की भीड़ थी, मुस्लिमों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सारे मुस्लिम चले जाएंगे, सारे मुस्लिम नहीं है, लेकिन लगता है 90% मुस्लिम चले जाएंगे प्रशांत किशोर, एमआई समीकरण टूट जाएगा। छोड़िए कितना समीकरण टूटता है, प्रशांत किशोर हिंदू विरोधी आदमी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर सकता है लेकिन हिंदू कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। बापू सरकार में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ, काहे नहीं हिंदू कॉन्फ्रेंस होता है, काहे नहीं यादव सम्मेलन होता है, काहे नहीं कुशवाहा सम्मेलन होता है, काहे नहीं सम्मेलन नहीं होता है। प्रशांत किशोर किया, प्रशांत किशोर ने, लेकिन ऐसे मत बोलिए कि यादव सम्मेलन कब हुआ? पैसा रुको न यार, बकवास करता है, पैसा दिया गया भाड़ा पर, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला कर लाया। आप ये मान रहे हैं कि एमओआई समीकरण टूटने वाला? अरे वो वैसी आया था, 19 को चुनाव में 5 को जीता, पुष्पम प्रिया आई थी, वो हम टूट लेंगे, टूटने में कितना होगा? पहले हम बता दें कि प्रशांत किशोर हिंदू विरोधी आदमी है, मुस्लिम विरोधी है, हिंदू विरोधी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करा, हिंदू कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? अच्छा। करे हिंदू कॉन्फ्रेंस, ये हिंदू विरोधी बता रहे प्रशांत किशोर। देखिए आप आज बोल रही है कि एमवाई समीकरण टूट जाएगा, लेकिन आरजेडी तो 4 महीना पहले लेटर निकाल चुका है कि हमारा कार्यकर्ता सब प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है। निकाला था कि नहीं? लेटर निकाला था ना आरजेडी? कुछ निकाला था। देखिए आप कुछ कह रही हैं, खुल के बोलिए ना। मैं निकाला गया था। लेटर निकाला था, निकाला था कि हमारा कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है। एमवाई का मतलब मलाह और यादव भी हो गया था? नहीं नहीं, कभी मलाह यादव नहीं, एमवाई का मतलब होता है मुस्लिम और यादव, समझे?
मुस्लिम और ज्यादा होता है, पूरा दुनिया जानता है। और एमओआई पर कोई पार्टी टिका हुआ है, लेकिन उसमें से बुझिए कि एम अगर निकल जाएगा, एम का संख्या ज्यादा है ना वाई से, और वाई में भी सारा वाई वोट नहीं देता है, लेकिन सारा एम वोट देता था आरजेडी को, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर आए हैं, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि 90% नहीं, लोग कह रहा है 90%, लेकिन हमको लग रहा है कि 80% मुस्लिम जरूर प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा, मतलब टूट जाएगा। हाँ, मैंने अभी चचा को राजनीति का ज्ञान ना है, हम बता रहे हैं आपको, भले हमसे उम्र में बड़े होंगे बट इनको राजनीति का आड़ ही पता नहीं होगा, ठीक है। प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे हैं, अभी आज से कुछ दिन सडनली एक फर्जी IPS वायरल हुआ है, पता है ना, और 2025 में प्रशांत किशोर का वही फर्जी IPS वाला हाल होने वाला है, फर्जी IPS का जैसा हाल हुआ है। हम आपको क्या बोले, प्रशांत किशोर के, प्रशांत किशोर वो इंसान है जो क्या बोलते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, उसके भी और उसके बाद नीतीश कुमार को CM बनाने का काम किया। देखिए ये बात आपको पता होना चाहिए, प्रशांत किशोर की इतनी औकात नहीं है कि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे या नीतीश कुमार, जनता जिसको चाहेगी उसको कुर्सी पे रखेगी, जिसको जनता चाहेगी कुर्सी से हटाएगी। प्रशांत किशोर की इतनी औकात नहीं है, पता नहीं RJD किस लेटर का बात कर रहे हो, उस लेटर में लिखा हुआ था कि जन सुराज एक फर्जी वाला संगठन है, उसमें RJD के लोग नहीं जुड़े, ई नहीं बोला था कि जुड़ने जा रहा। दूसरी बात, ललितेश्वर शाही कौन है जी, बिहार सरकार का पूर्व मंत्री और भाजपा का वरिष्ठ नेता, उसकी बेटी कहाँ है? बीना शाही कौन है जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उसकी बेटी कहाँ है? सीताराम यादव कौन है जी, JDU के पूर्व सांसद सीतामढ़ी का, उसकी कहाँ पे है? RJD से कौन भागा? चंद्रबली ठाकुर, जिसको RJD हटा कर फेंक दिया था, पार्टी से निष्कासित है चंद्रबली ठाकुर, वो भागा। देवेंद्र यादव, एक मिनट, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, उनके मन में आप एक मिनट आप बोलने दीजिए, देवेंद्र का नाम बहुत अच्छा, देवेंद्र का हम भी सुने देवेंद्र यादव क्या बोला, लालू जी आए लुटे बिहार को, नीतीश जी आए लुटे बिहार को, अब प्रशांत किशोर को मौका दीजिए लुटे बिहार को, उन्होंने ऐसा बोला, लालू जी आए लुटे बिहार को, नीतीश जी आए लुटे बिहार को, प्रशांत जी को मौका दीजिए लुटे बिहार को, उन्होंने ऐसा। पहले ही मन का मनसा तो मुंह, दिल का बात जुबान पर आ जाता है। प्रशांत किशोर कह रहे कि देवेंद्र यादव जी कह रहे हैं फूल परास, बिल्कुल है, सुना देते हैं हम सुने हैं, जन सुराज का पेज खोलिए, अरे हम वहीं बैठे हुए थे, जन सुराज का पेज खोलिए, जन सुराज सब पे चलता है, रवीश कुमार वाला जितना कांग्रेस का कार्यकर्ता है, रवीश कुमार वाला चैनल से जुड़ा हुआ है फर्जी व्हाट्सएप से, केवल गलत गलत न्यूज, कल हम इनको निगेटिव सरकार के विरोध में केवल बोलते हैं। अब देखिए सुनिए ना, परसों 5600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था एक कांग्रेस के नेता के पास दिल्ली में, उसको बोलिए ये भी बोल रहे थे परसों की रशियन के साथ बीजेपी का नेता, हम सारा न्यूज देखे हैं कहीं नहीं, ये लोग फॉल्स बोलता है, न्यूज रशियन ने राजस्थान किया, चलो टाइम्स, नव टाइम्स भारत नव मीडिया, वो बिकाओ मीडिया, वो रवीश कुमार, एक मिनट रवीश कुमार हो बहुत लोग, जनता देता है मोदी जी को वोट, मोदी जी को वोट देता है तब ना प्रधानमंत्री बनता है, और रवीश कुमार खाली मोदी के खिलाफ में बोलता है। बोलिए, एक मिनट में बहुत बोल दिया। देखिए अभी ड्रग्स वाला मामला है, ड्रग्स पे भी दिखा देते हैं कौन कौन कहां से कहां का मामला, रुकिए एक मिनट यार, बकबक खाली करते पीछे से। अब देखिए राजस्थान का उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा, दिल्ली जाइएगा, रायसीना रोड है, ली मेरेट होटल है, 5-star होटल है, कमरा नंबर 301, न्यूज दिखाया था मात्र 5 मिनट का क्लिप, उसके बाद न्यूज एकदम सन्नाटा हो गया, कहिए तो आपको क्लिप, आपको अभी न्यूज दिखाया, अब कह रहा कौन न्यूज है, कौन न्यूज़ नहीं पता चला कौन न्यूज है, 100% गलत, ये हमको परसों ये न्यूज बात पता है, हम सारा न्यूज चैनल देखे हैं, हम तो कह रहे हैं इतना बड़ा जब बात होगा सारा न्यूज चैनल चलाएगा, न्यूज चैनल कभी न्यूज दिखाएगा, बीजेपी का चैनल कभी भी बीजेपी के भक्तों का, बीजेपी के भक्तों का न्यूज दिखाएगा, कहीं से कहीं तक नहीं दिखाएगा। देखिए लो ये मेरा आधार कार्ड है,
अगर हम गलती बोल रहे हैं तो भाजपा वाले हम पर केस करो, हम चुनाव हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। अगर हम गलती बोल रहे हैं प्रेमचंद खड़े सुनिए भैया, जिसको फॉलो कर रहे ना, 5 दिन पहले शुभांकर मिश्रा जो है तेजू भैया के इंटरव्यू लिए थे, क्या बोले थे तेजू भैया कि हम 500 के फुटपाथ पर के जूता पहन के आते 11,000 के, जिनको फॉलो करते हैं, हाँ जिनको फॉलो करते हैं ना, उनसे बढ़िया काबिल ये है और शिक्षित है। और ये बताइए, मेरा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर के आने से MY समीकरण टूट गया? देखिए वो टूटेगा झूठेगा बात अलग है, मुद्दा होना चाहिए बिहार के विकास का। बिहार का विकास करेंगे? देखिए बिहार के विकास बिल्कुल करेंगे। इससे सुनिए, इससे पहले भी तेजस्वी यादव से इंटरव्यू लिया गया था, पूछा गया था कि प्रशांत किशोर करें कि हम पलायन रोक देंगे, आपका क्या मुद्दा है, आपका क्या रहा है? तो बिहार का पलायन रोकना बड़ी मुश्किल बात है। तेजस्वी यादव बोले 5 दिन पहले भैया का वीडियो दिखा देंगे, 12,000 का चप्पल इसको दिखा। शुभांकर मिश्र सुनिए, शुभांकर मिश्रा का इंटरव्यू हो रहा था, शुभांकर क्या बोला कि चप्पलवा हम भी, एक मिनट अरे इनके समय कितना भूला जाते हैं, अपन मरवा में कितना भूला जाता है, लगता है नाचे लगते हैं, काहे नहीं बोला था? सुनो पहले काहे नहीं इसके बोला? शुभांकर मिश्रा इंटरव्यू ले रहा था, 12,000 का चप्पल पहना था तेज प्रताप, शुभांकर क्या बोला, भाई हम भी पहनते हैं 12,000 का चप्पल, पत्रकार भी पहन रहा है 12,000 चप्पल, और तेज प्रताप दो टर्म का मंत्री, अगर वो 12,000 चप्पल तो क्या दिक्कत है, जब पत्रकार पहन सकता है 12,000 का चप्पल तो नेता काहे नहीं पहन सकता है, नेता काहे नहीं पहन सकता है? इस शुभांकर का जिक्र काहे नहीं किए, शुभांकर ने बोला कि हम भी पहनते हैं, शुभांकर बोला कि नहीं बोला, आपने जिक्र क्यों नहीं किया? जादव कैसा है जात जो टूटवे नहीं कर सकता है, वो लालू का परमानेंट है, वो नहीं टूट सकता है। कि सारे मुस्लिम जो है वो जन स्वराज, कुछ नहीं जन स्वराज में जाएगा, वो पियक्कर जो है पीके पियक्कर जो है वो केवल एगो काम सही बोले हैं, दारू चालू करेंगे बस, उसके अलावा कोई काम सही नहीं बोले हैं, सही नहीं करेंगे, केवल भरोसा नहीं है। MY समीकरण कैसे टूट जाएगा? नहीं टूट सकते, कैसे यादव अमिया टूटे वाला नहीं है, कितना बिहार का हाथी है, हाथी है तेजस्वी, जाए हाथी बाजार जाए, देखिए बाजार में घूमते हाथी कुत्ता भूखे हजार, ना यहाँ पर प्रशांत किशोर टिकेंगे, ना आपके चाचा जी टिकेंगे, जानते तूफान के आगे कोई नहीं टिकेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी नहीं तूफान है, युवा के लिए शान है, तेजस्वी नहीं आंधी है, इस युग का गांधी है, लालू कह रहे हैं तेजस्वी जी के आगे कोई नहीं टिकेगा, तेजस्वी जी जो है ना रफ्तार तेजस्वी सरकार, बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार, अब उनको जो है संघासन छोड़ देना चाहिए। गांधी जी का फोटो लगा के तो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर जरा अपना देखे, ये जानते हैं मैडम एक बार मोदी जी को जिताने का काम करते हैं, एक बार नीतीश जी को जिताने का काम कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं दोनों खराब है, तो आप सही हो, आप बिहार के बेवकूफ समझ रहे हो, मुस्लिम जो है वो जन स्वराज में चलाएगा, कभी नहीं आएगा, जन स्वराज समीकरण टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, लालू जी के आगे नहीं टूटेगा। सुनिए लालू जी के एक रीजन में गाना बजता था कि चूरी मजा न देगा कंगन मजा न देगा, आई आप जानते हैं क्या बजेगा, कि भाजपा मजा न देगा, भाई पलटू मजा न देगी, 2025 में तेजस्वी मजा देंगे, अरे भाजपा मजा न देगा, भाई पलटू मजा न देंगे, तेजस्वी जी का आगे कोई नहीं है, आज कहता है सब बोरना ला पोस्टर लगवा दिया है कि तेजस्वी जी लपाता है, तेजस्वी जी लपाता नहीं है, तेजस्वी जी पता कर रहा है,
कि प्रधानमंत्री जी बाहर में डंका बनवा बजवा रहे हैं तो उसको थोड़ा हम जायजा ले। अब विरोधियों का पेट में दर्द है कि तेजस्वी जी लपता है सरकार किसका है, नीतीश कुमार जी का है। प्रशासन आपको सारा आदमी है तो बिहार का देखभाल जानो क्यों तेजस्वी लापता नहीं है। तेजस्वी अशोक चौधरी तेजस्वी अब बिहार में सरकार जो है आरजेडी का बनने वाला है नवंबर। बिल्कुल बिल्कुल छठ से पहले जन स्वराज का कोई इफेक्ट जन स्वराज भी हम लोग में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या था स्ट्रेटजी वही बनाता था हम लोग का फिर बनाएगा वो। बिल्कुल 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 वो किशोर है, किशोर का मतलब बच्चा। अभी 2 तारीख को जन्म लिया है, 8 तारीख को छठिहार होगा, उसके बाद भेंट करिएगा। इस चुनाव में कोई काम नहीं उसका। ऐसे तमाम लोग थे और आप ये बताइए कि एमओई समीकरण जन स्वराज के आने से टूटेगा कि नहीं। बाकी जो मुस्लिम है वो बताइए कि क्या आप जन स्वराज में जा रहे हैं या अभी भी आप आरजेडी के साथ है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।